मेदू बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं, पर इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि ये बनते हैं उड़द की दाल से, जो कि बहुत टाइम लेती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट सूजी से मेदू बड़े। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। बड़ों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें डाल देंगे 2 कप सूजी। तो ये नॉर्मल सूजी है जो कि हम हलवा या उपमा बनाने में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून दरदरी की हुई काली मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने बहुत महीन महीन काट लिया है। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च एकदम महीन काट के, तो आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/4 कप के करीब हरा धनिया महीन कटा, कुछ करी पत्ते जिनको कि हम हाथ से अच्छे से तोड़ लेंगे इसके बाद डालेंगे। इसमें डालेंगे 1 कप दही, 2 कप सूजी के लिए 1 कप दही। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें, इसको इस तरह से मिला लें। पहले हम सिर्फ दही के साथ ही घोलेंगे इसको, और ये दही खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल दही है। तो ये देखें, मैंने इसको घोल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें पानी, तो पानी बहुत थोड़ा सा डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, कुछ इस तरह मिला लिया है मैंने इसको। इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे सोडा। तो ये बेकिंग सोडा का यूज़ किया है 1 बड़ी चुटकी, मतलब आप समझ लें कि 1/4 चम्मच से भी कम सोडा डाला है मैंने। और अब हम इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करें जिससे कि सारी चीज़ें, सोडा, नमक, सारे सूजी में अच्छे से मिल जाए। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आटे से लूज़ है ये, जो कि हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे लूज़ कंसिस्टेंसी का है, पर इतना है कि हम इसके आराम से वड़े बना पाएंगे। तो देखें, ये तैयार है, और आइए अब हम इनके वड़े बनाएंगे। और वड़ों को शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने हाथ को अच्छे से पानी से गीला कर लेंगे, और जितने भी बड़े साइज़ के आपको वड़े बनाने हैं उसका एक इस तरह से रोल करके उसको हल्का सा ऐसे चपटा कर लें, और फिर से उंगली को गीली करके बीच में एक होल बना लें। तो ये देखें, कुछ इस तरह से। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने तेल को गर्म किया है, आप देखें मैंने एक टूथपिक डाली है, और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बबल्स निकल रहे हैं। इसका मतलब जो है तेल तैयार है तलने के लिए। तो ध्यान रखें, एकदम उबलते हुए या बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल में हम इनको नहीं डालेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हम इनको डाल देंगे तेल में, और हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे दोनों साइड से, जब तक ये एकदम क्रिस्प ना हो जाए। तो बहुत ही यमी वड़े तैयार होते हैं। आपके घर गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट बना सकते हैं, या फिर आप इन वड़ों को जो है वो चटनी के साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ खा सकते हैं। सांभर वड़े या फिर मेदू बड़े बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें काफ़ी टाइम लगता है, ये इंस्टेंट है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।